to my channel. In today's video, we are doing Ramzan special Meesho haul. So basically, Ramzan special Meesho haul में ये सारे outfit haul हैं. सारे जो prayer dress, jilbab, khimar, makkana, hijab ये सारी चीजें मैंने Meesho से order किया है. जो कि ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते. तो मैंने सोचा क्यों ना start किया जाए ये सारी चीज़ को normalize करना. Because ये सारी चीजें हम लोग को purchase online purchase करने से पहले बहुत बार सोचते हैं. So yeah, if you're new to my channel, take some time and subscribe to my channel. मैं बहुत ही useful और you know हिजाबी useful, modest wear, fashion, beauty related हर चीज मैं लेके आने की कोशिश करती हूँ. तो yeah, without any further ado, let's get started. Usually spend a lot of money. Normal जो casual कपड़े होते हैं शादी में जाने के लिए या फिर outing जाने के लिए हम लोग बहुत ही fancy सा अच्छा सा कपड़ा लेते हैं. But जब आता है नमाज की बारी तो हम लोग जो भी दुपट्टा है उसी को ओढ़ के नमाज पढ़ लेते हैं, which is very wrong. ये चीज हम लोग को चेंज करनी है. एंड जो आपका प्रेयर ड्रेस आपने अलग ही रखना है ताकि यू नो हम लोग दुनिया को दिखाने के लिए तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, पर अल्लाह के सामने भी अच्छे कपड़े पहना करो क्योंकि वो ही मैटर करता है. अच्छे इखलाक रखा करो. रमजान स्पेशल है तो मैं ये सारी चीजों पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा दे रही हूँ, मॉरल वैल्यूज पे. सो या जो फर्स्ट ड्रेस मैंने ऑर्डर किया है ये मैंने यही सोच के किया था. तो जो पहला आउटफिट है ये मैंने प्रेयर ड्रेस लिया है. ठीक है, प्रेयर ड्रेस ये वाला मैंने ऑर्डर किया. ये मुझे दिखने में कुछ ऐसा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. ये एकदम फ्लोरल है और बेस्ट थिंग बहुत ही ज्यादा ईजी था. मैंने इसके बारे में सारा डिटेल्स पढ़ने के बाद ही ऑर्डर किया है. सो ये एकदम फ्री साइज था, इसमें कोई मुझे साइज का ऑप्शन नहीं मिला. सो दिस इज व्हाट आई ऑर्डर्ड, दिस इज व्हाट आई रिसीव्ड. यू गाइस कैन सी ये कुछ ऐसे लगता है. इसमें पूरे फ्लोरल प्रिंट्स है, बहुत ही अच्छा सा फ्लोरल प्रिंट है. यहाँ पे पहनने के बाद कैसे लगता है मैं यहाँ पे दिखा दूंगी, क्योंकि मैं इसको ये बहुत ही कोई लंबा है तो मैं पूरा आपको इसे खोल के नहीं दिखा पाऊंगी. पर या इसका जो मटेरियल है ना ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है. ठीक है, पर यू गाइस कैन सी ऐसा स्ट्रेचेबल है. इसको क्या बोलते हैं, इसको ना जर्सी मटेरियल, या ये जर्सी मटेरियल है. मटेरियल बहुत अच्छा है. कॉटन मटेरियल आप ज़्यादा वॉश करते हो ना तो उसके ऊपर से वो रोई रोई लिंट निकलना शुरू हो जाते हैं, बट दिस इज लिंट फ्री. तो आप कितना भी इसको पहनोगे ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इसका प्रिंट भी नहीं जाएगा. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है और आई एम ओनली 5'1" तो मुझे ये कुछ ऐसे आता है. इसकी जो मुझे बेस्ट चीज़ लगी ना, विच इज़ दिस, इसको आपको अलग से कोई हिजाब नहीं पहनना है, इसके अंदर ही आपको हिजाब आ जाता है. ठीक है, इसको बस आपको स्लाइडिंग करना है एंड दैट्स इट. आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो में मैं इन डिटेल बताने वाली हूँ. आई एम जस्ट 5'1" तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा लंबा है, बट इफ़ यू आर गुड हाइटेड पर्सन तो उनको भी आराम से आ जाएगा. यू नो हाइटेड लोगों को जल्दी चीज़ें नहीं मिलती, स्पेशली प्रेयर ड्रेस, तो ये बेस्ट है. आपके पैर भी छुप जाएंगे, हाथ छुप जाएंगे. बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा. वो साइज बड़ा है, मैं यहाँ पे नीचे से ना अपने टेलर को बोल के कटिंग करवा सकते हैं, फिर स्टिच करवा सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा. ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मॉडेस्ट है, अच्छा खासा लूज है. सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट. नाउ लेट्स सी व्हाट्स द सेकेंड प्रोडक्ट. सेकेंड प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया ये है ना एक हिजाब सॉर्ट ऑफ है. ये बहुत ही ज़्यादा आजकल मैंने इंस्टाग्राम जब भी खोलती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, मुझे बहुत क्यूट भी लगता है. खीमर बोलते हैं इसको कोई लोग, कोई लोग मक्काना बोलते हैं. इसी में आपको नकाब भी मिल जाता है और सारी चीज़ एक ही में होती है. तो ये मैंने देख के ना मीशो से ऑर्डर किया है. बाकी इसमें ब्लैक कलर और बहुत सारे कलर भी है, वो आपको 600 के अराउंड मिल रहा है. तो मैंने सोचा पहली बार ले रहे तो ये ट्राई करते हैं. सो दिस इज व्हाट आई ऑर्डर्ड एंड दिस इज व्हाट आई रिसीव्ड. यू गाइस कैन सी जैसा फोटो में ना बहुत ही ज्यादा लाइट कलर है. मटेरियल की बात करते हैं, इसका मटेरियल जो है ना, मटेरियल ये जॉर्जेट मटेरियल है. ठीक है, ट्रांसपेरेंट है पर इतना भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है. पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है. इसका जो वीडियो ये भी मैं यहाँ पे दे दूंगी कि ये पहनने के बाद कैसा लगता है. इसको बहुत आप लाइक 4-5 तरीके से इसको आप पहन सकते हो तो बहुत अच्छा लगेगा. इसमें आपको ना नीचे ऐसे कुछ आ जाता है, मैं आपको एक पहन के दिखा देती हूँ. यहाँ पर ऐसे आपको यहाँ पर टाई करना है. ठीक है, कमेंट करना आपको ये वीडियोस मेरे कैसे लग रहे हैं. अगर आपको ऐसे और भी पार्ट्स चाहिए ना तो कमेंट डाउन. तो ये एक बार मैंने यहाँ पे टाई कर दिया, फिर इसके जो लेयर्स है ना इसको आपने ऐसे करना है. ठीक है, फर्स्ट लेयर में कुछ ऐसे लगोगे, नहीं नहीं, फिर हमने लगाना है एक और लेयर. ठीक है, वाओ ये गाइस कैन सी कितना ही प्यारा लग रहा है. देखा आपने, बहुत ही क्यूट लगता है ये. बहुत अच्छा कवरेज प्रोवाइड हो गया है. गाइस कैन सी इसका आपको जो पीछे जो बैक कवरेज है कुछ ऐसा है. फ्रंट भी बहुत ही ज़्यादा यू नो आगे का जो भी पोर्शन है ये यहाँ से कवरेज मिल जाता है. नीचे से आपको फुल कवरेज मिल जा रहा है. बैक में आपको अच्छा कवरेज मिल रहा है, आप देख सकते हो ये वीडियो में. ऑल्सो इसकी एक और अच्छी चीज़ मुझे लगी कि आप ये जो है ना इसको एज ए नकाब भी यूज़ कर सकते हो. यू गाइस कैन सी
बहुत ही अच्छा है। इसमें अगर आपने ब्लैक कलर खरीद लिया ना, यू गाइज विल लव इट। ब्लैक कलर जो इसमें मैंने देखा है, इसका भी मैं आपको लिंक या कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ब्लैक कलर जो आता है ना इसमें, वो आपको 600 या 700 के अराउंड पड़ जाएगा, बट इट्स वर्थ इट। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आई वुड डेफिनेटली परचेज इसमें, मैं ब्लैक कलर जरूर खरीदने वाली हूँ और मैं अपनी मदर इन लॉ को इंशाल्लाह इस रमजान गिफ्ट करने वाली हूँ। बहुत ही प्यारा है गाइज, डेफिनेटली ट्राई दिस आउट, यू गाइज विल लव दिस। मैं बोल रही हूँ सही में बहुत ही अच्छा है। एक और तरीका है इसका पहनने का, एक तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। बहुत अलग अलग तरीके से आप पहन सकते हो। फिर आ जाता है ऐसा, ये डायरेक्ट आप नकाब जैसा भी पहन सकते हो, ठीक है। बस अपने यहाँ पे से टाई कर देना है और फिर ये जो है अपने पीछे कर देना है, ठीक है। एक लेयर में ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप ऐसे नकाब पहनते हो एकदम डिसेंट से, तो ये कुछ ऐसे लगेगा। एंड अगर आपने एक और पीछे किया, ठीक है, तो ये ऐसे लगेगा। यू गाइस कैन सी कितना प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। इट्स रियली वेरी मॉडर्न, बहुत ही प्यारा है। यू गाइज विल लव दिस, डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। मैं बोलूँगी ब्लैक कलर में ट्राई करना इसको, आपको और ज़्यादा पसंद आएगा। पर इफ़ यू आर समवन लाइक मी जिसको कलरफुल पहनना ज़्यादा पसंद है, और ऑब्वियसली अभी तो बहुत ज़्यादा धूप भी है, गर्मी का सीजन चालू हो गया है, तो ब्लैक मत लेना, ये कलर ले लेना, ये बहुत प्यारा है और आपको सस्ता भी पड़ जाएगा, ठीक है। 200 रुपये आपको सस्ता पड़ जाएगा। सो या दिस इज हाउ इट लुक्स। एक और खोल के आपको दिखाती हूँ। एक और खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। इसके बाद एक और लेयर है, कितने सारे लेयर है इसमें। इसके बाद आपको ये कुछ ऐसा लगेगा। ये जो है ना, ये आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। पूरा अगर आपने ऊपर कर दिया तो ऐसे रहेगा, प्यारा लगा। सो या दिस वॉज द सेकेंड प्रोडक्ट, लेट्स सी व्हाट्स आवर थर्ड। मैंने ऑर्डर किया ये एक जिलबाब है, ठीक है। ये जिलबाब मुझे लास्ट टाइम किसी ने कमेंट करके बोला था कि प्लीज डू जिलबाब हॉल, तो जिलबाब के लिए मैंने ये ऑर्डर किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, फुल सॉर्ट ऑफ जिलबाब है और ऐसा कुछ दिख रहा था, मॉडल ने पहना था तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब देखते हम पहनते तो कैसे लगता है। एंड दिस इज व्हाट आई रिसीव। इसका कलर मुझे बहुत हद तक सिमिलर ही आया है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी आया है। यू गाइस कैन सी, बहुत ही मुझे क्वालिटी अच्छी लगी है इसकी। मतलब है ना, ये आप बोल सकते हो मटेरियल को, आई गेस बटर स्कॉच मटेरियल बोलते हैं, या बटर स्कॉच बोलते हैं आई गेस। अच्छा मटेरियल है, ठीक है, अच्छा मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। पहनने के बाद ये आपको कुछ ऐसे लगता है, और आपको ये दिखने में ना जैसे आपके हाथ में आएगा तो आपको ऐसा मिल जाएगा, जो ये जो पोर्शन है, देखो सो या ये जो पोर्शन मिल जाता है, यहाँ से आपको नेक कवरेज मिल जाएगा। उसके बाद आपने ये वाला पहनना है, तो पहनने के बाद ऐसे लगेगा, बहुत ही अच्छा है एकदम। इसमें ना आपको फुल कवरेज मिल जाएगा, अच्छा खासा बड़ा है। आप इसको जिलबाब है ना, प्रेयर्स के टाइम पे भी पहन सकते हो, नमाज के वक्त भी आप इसको पहन सकते हो, और नॉर्मली भी आप इसको पहन सकते हो, लाइक बुरखा हटा के आप एज ए जिलबाब पहन के भी बाहर जा सकते हो। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मॉडेस्ट है। फ्री साइज sizes from medium to you know double XL, triple XL लोगों को ये आराम से आ जाएगा, ठीक है। साइज का कोई इशू नहीं है, हर किसी के लिए सिर्फ एक ही साइज है यहाँ पे अवेलेबल। सो या डू गिव दिस अ ट्राई। द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई ऑर्डर्ड, मैं सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करके खत्म कर रही हूँ, पर यहाँ पे मैंने इन डिटेल वीडियो दे चुकी हूँ, तो यू गाइस कैन सी ओवर हियर। यहाँ से मैं बातें कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सारी चीज़ इन डिटेल दिखा रही हूँ। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई ऑर्डर्ड, ये अगेन एक हिजाब सॉर्ट ऑफ है, मक्काना सॉर्ट ऑफ है। इट्स नॉट फुल हिजाब, मतलब फुल जिलबाब नहीं है ये, पर ये जिलबाब के इन कैटेगरी में ही आता है। सो दिस इज व्हाट आई ऑर्डर्ड नेक्स्ट। इसमें मुझे ना स्लीव में मतलब कुछ ऐसा दिख रहा था, और मुझे कहीं ना कहीं ये जिलबाब के जैसा लग रहा था। सारे जो प्रोडक्ट्स है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोड भी मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई ऑर्डर्ड एंड दिस इज व्हाट आई रिसीव। मैंने कोई भी चीज ब्लैक नहीं ऑर्डर किया है, बिकॉज वो मेरा पर्सनल चॉइस था, पर ब्लैक भी अवेलेबल है। यू गाइस कैन यू नो ऑर्डर ब्लैक कलर। तो ये मुझे, मैंने ये ऑर्डर किया था, और पहनने के बाद ये ऐसे लगता है। इसमें भी आपको ना ऐसे स्ट्रैप्स मिल जाते हैं, ठीक है, इसको, और यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, ताकि आपके ना ये भी अच्छे से यू नो आपका जो नेक एरिया है ये भी अच्छे से कवर हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे। क्वालिटी अगेन इज गुड क्वालिटी, बेस्ट नहीं बोलूंगी, पर या क्वालिटी इज गुड। थोड़े बहुत इसके धागे यहाँ वहाँ से निकले हुए रहेंगे, बट माइंड नहीं करना, बिकॉज ये प्राइस रेंज में आपको इतनी चीज़ मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। ये नॉर्मली आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, और ये जो स्टाइल है, ये जो मॉडल है, बहुत ही अच्छा है। एंड मुझे मीशो की बेस्ट पार्ट, मुझे मीशो की बेस्ट थिंग ये लगती है कि अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप रिटर्न या फिर एक्सचेंज कर सकते हो।
सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. एंड ये इसके जो स्लीव्स है ये कुछ ऐसे आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ये ना फ्लॉन्ट कर रही हूँ ये पहन के, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और यहाँ पे मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी, ये जो है ना इसको आप बहुत वे से बांध सकते हो, पीछे साइड भी बांध सकते हो और यहाँ पे भी बांध सकते हो, अकॉर्डिंग टू व्हाट यू प्रिफर. ठीक है, आप जो प्रिफर करते हो आप वैसे इसको पहन सकते हो. बहुत ही प्यारा, ये फुल लेंथ नहीं है बट ये आपको बैक कवरेज और फ्रंट कवरेज, अच्छा खासा बैक और फ्रंट कवरेज दे देता है. बहुत ही कोई प्यारा है, एकदम फ्लोई फ्लोई सा मटेरियल है, जॉर्जेट या शिफॉन मटेरियल नहीं है कि जो विजिबल हो जाएगा, ये बिल्कुल भी यू नो नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. सो इट्स रियली गुड. अगेन साइजेस ये हर साइज के लिए एक ही आता है, इन केस अगर आपको यू नो आपका फेस छोटा है या बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये जो स्ट्रिप्स आते हैं इसकी वजह से आप ना अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो. ये वाले जो छोटे स्ट्रिप्स आते हैं ना, अगर आपका फेस बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है, मुझे यूजुअली ये प्रॉब्लम होता है कि मेरा फेस छोटा होता है तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो जाता है, बट आप इससे इसको यू नो मैनेज कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा. एंड या मुझे तो बड़ा प्यारा लगा. That's it. This is what I ordered. इसमें से मेरा एक हो जाता है वो नकाब और खीमर टाइप का, ये हो जाता है. इसका भी मैं इसको मैं रेट करूँगी लाइक 8 out of 10. ठीक है, 8 out of 10. 8 इसीलिए क्योंकि इसका जो मटेरियल है ना ये बहुत ज़्यादा शीयर है, जो ये मटेरियल थोड़ा ज़्यादा शीयर लगा और थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा अगर नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता तो ज़्यादा बेटर होता. सेकेंड वाला जो था वो ये वाला, ये वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. इसको तो भाई 10 out of 10 भी बोल सकते हो. ओनली प्रॉब्लम इसकी लेंथ और इसका जो एरिया है ना, मतलब वो आपको टाइट करना पड़ेगा. लेंथ तो आपको कटिंग करनी पड़ेगी अपने हिसाब से, और ये जो आता है ना ये मुझे लूज है. ठीक है, इसमें अंदर कुछ भी ना दिए, कुछ भी नहीं दिया गया है, ना कोई इलास्टिक है ना कुछ रबर है, तो ये भी मुझे अपने टेलर को बोल के टाइट करवाना पड़ेगा और उसका जो लेंथ है वो भी कटिंग करवानी पड़ेगी. इसीलिए मैं इसको यू नो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मतलब ओवरऑल मटेरियल क्वालिटी एवरीथिंग इज 10 out of 10. जस्ट बिकॉज इसमें इतना सारा काम है, वापस से मुझे पैसे इन्वेस्ट करने इसके अंदर, तो इसीलिए मैं इसको 8 out of 10 दूंगी. नेक्स्ट कम्स आर फुल साइज जिल्बा विच इज 10 out of 10. बहुत ही प्यारा है, फुल साइज है तो मुझे ये तो बेस्ट लगा. ठीक है, ये भी आपका वीडियो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मुझे बेस्ट लगा, सबसे बेस्ट है ये. सेकेंड कम्स जो एक साथ ही ना एक ही बार में जिल्बाब नहीं पहनना चाहते तो वो लोग ऐसे ट्राई कर सकते हैं. ये एकदम शॉर्ट से ऐसा जिल्बाब आ जाता है, हिजाब जैसा आप इसको पहन सकते हो, मकाना बोल सकते हो, पता नहीं मुझे कमेंट करके बताना इसको क्या बोलते हैं. तो या ये मुझे बड़ा प्यारा लगा भाई, बड़ा प्यारा लगा. इसमें ये जो चीज़ ये लोग देते हैं ना लाइक दिस इज़ अवेलेबल, जिससे आप आपका फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप इसको टाइट कर सकते हो, लगा सकते हो. अगर आपका फेस बड़ा है तो आपको टेंशन नहीं, आपको ये यूज़ ही नहीं करना है, आपको बस ये ऐसे ही आप पहन सकते हो. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेंथ भी बड़ी सही है. या ब्लैक प्लेन अबाया के साथ में ना सिर्फ ये पहन सकते हो, या फिर नीचे आप स्कर्ट पहन के फिर आप पहन सकते हो तो बहुत अच्छा लगेगा. यहाँ पे मैंने पैंट पहना है तो इसीलिए कुछ ऐसा लग रहा है, अदरवाइज ये बड़ा प्यारा लगेगा. अब दैट्स इट, ये था मेरा इन डेप्थ रिव्यू. मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा देखना है प्लीज कमेंट डाउन. एंड आई होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल. मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.